हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास फोर साइंस में हम लोग आज लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे, आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम के बारे में, लेयर्स ऑफ अर्थ, स्टार्स, सैटेलाइट्स, मूवमेंट ऑफ अर्थ, इन सभी के बारे में हमें जानकारी करना है। इट इज एक्टिविटी टाइम, थोड़ा सा इस पे आप ध्यान देंगे। कंस्टेलेशन ऑन द वॉल, टेक ए थिक ब्राउन पेपर, एक ब्राउन पेपर लीजिए, रोल इट टू है एन ओपन साइलेंड्रिकल शेप, और उसको साइलेंट्रिकल शेप की तरह जिसके अंदर होल हो वैसे बनाइए। कवर वन एंड विथ ब्लैक पेपर, और उसको अंत में ब्लैक पेपर से, काले पेपर से उसको कवर कीजिए। पांच टीनी होल्स इन द ब्लैक, और फिर उसके बाद छोटे होल को ब्लैक में करिए। पेपर इन द शेप ऑफ ए कंस्टेलेशन बाय यूजिंग ए टूथपिक, तो आप उस पर देखेंगे छोटे छोटे छिद्र से जो प्रकाश निकलते हैं दीवालों के ऊपर, उनका आकार। शाइन ए टॉर्च थ्रू द ओपन एंड ऑफ द सिलेंडर इन ए डार्कनेड रूम, तो आप देखेंगे कि डार्क रूम में इस प्रकार का उसका प्रकाश जो है आपको नजर आता है। यू विल सी द कंस्टेलेशन अपेयरिंग ऑन द वॉल, तो इसी को कंस्टेलेशन कहते हैं जो कि दीवार के ऊपर ऐसे पढ़ते हैं। यू कैन यूज डिफरेंट सिलेंडर ऑफ डिफरेंट कंस्टेलेशन, तो उस प्रकार से आपका आकार को अगर बदलना है तो भिन्न भिन्न प्रकार के उस तरफ से आप कंस्टेलेशन कर सकते हैं। इसमें अब हम लोग को, आवर प्लैनेट अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, हमारा पृथ्वी सभी जगह हवाओं से भरी हुई है, कोई ऐसा खाली जगह नहीं है कि जिसमें, जहां हवा ना हो, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। द वास्ट स्पेस बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द यूनिवर्स, बहुत बड़ा जो स्पेस है जिसको कि एटमॉस्फेयर को ही यूनिवर्स कहते हैं। देयर आर मेनी हेवनली बॉडी प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में हम लोग देखते हैं बहुत बड़े बड़े चीज, बड़े बड़े आकार के वस्तुएं, जैसे में आप देखेंगे स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स, मेटोराइट्स इटीसी, तो ये सभी चीजें हमें यूनिवर्स में देखने के लिए मिलते हैं। और अब हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व राउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स, बहुत बड़े बड़े आकार के कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उन्हें हम लोग प्लैनेट कहते हैं।
There are 8 planets revolving around the sun which form the solar system. ये सभी प्लैनेट जो हैं, 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सूर्य के चारों ओर घूमने का काम करते हैं, उन्हें ही सोलर सिस्टम कहते हैं, इन्हीं को सोलर सिस्टम कहा जाता है. द सन इज इन द सेंटर एंड 8 प्लैनेट्स. ये सूर्य जो है 8 प्लैनेट्स के सेंटर में है और 8 प्लैनेट्स देयर मून्स अलोंग विद कॉमेट एंड स्ट्राइड्स मूव राउंड द सन इन देयर फिक्स एलिप्टिकल पथ कॉल्ड ऑर्बिट. मून उसके साथ साथ कॉमेट्स एंड स्ट्राइड्स जो हैं ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन वो फिक्स अपने ही ऑर्बिट पे रहते हैं, इलिप्टिकल पथ पे, जिसको कि ऑर्बिट कहा जाता है. द मैसिव साइज ऑफ द सन कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ इट्स फैमिली गिव्स द ग्रेविटेशनल पुल विच कीप्स ऑल द प्लैनेट इन दियर ओन प्लेस. जो सूर्य का जो आकार है और कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ बाकी सब उनसे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो इट्स फैमिली गिव द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो उनके जितने भी परिवार हैं वो ग्रेविटेशनल पुल यानी खींचते हैं, आकर्षण करके वो खींचते हैं, विच कीप्स ऑल द प्लैनेट्स इन दियर ओन प्लेस, और वो खींच करके अपने अपने स्थान पे वो प्लैनेट को रख देते हैं. द नेम ऑफ द 8 प्लैनेट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर. ये 8 ग्रहों का नाम सूर्य से दूरी पे जैसे हैं जैसे हैं, उन सभी ग्रहों का नाम अपना अपना अलग अलग है. जैसे इस पिक्चर में आप देखेंगे सोलर सिस्टम, ये सन है, उसके बाद जो ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, सभी की दूरियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैं. तो हम लोग उन ग्रहों को देखेंगे जो भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रह हैं, तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. माय वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स. तो ये सभी 8 ग्रह जो कि मौजूद हैं, और इसमें एक्स्ट्रा माइल में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स जैसे कि मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स. मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स जो है इसको इनर प्लैनेट्स कहते हैं. द लास्ट 4 प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स, जो कि उसके अंदर होंगे, नज़दीक होंगे, उसको इनर प्लैनेट्स कहते हैं. जो उससे कुछ दूरी पे हैं, डिस्टेंस है, उसको आउटर प्लैनेट्स. प्लैनेट्स फैक्टोपेडिया, इस पर आप ध्यान देंगे, प्लैनेट्स नेम है, प्लैनेट्स इमेजेज है, वे कैसे हैं, और नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, उन प्लैनेट्स पे सैटेलाइट की संख्या कितनी है, और उनके अंदर यूनिक फैक्ट्स क्या है, वो कैसे हैं, उनके अंदर गुण क्या है, वो प्लैनेट्स फैक्टोपेडिया को आप पढ़ के मालूम कर सकते हैं. जैसे मरकरी को आप देखेंगे तो मरकरी में
सैटेलाइट की संख्या जीरो है, प्लैनेट्स इमेज आप देखें कलर वगैरह, अ यूनिक फैक्ट है कि मरकरी जो है स्मॉलेस्ट प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। ये मरकरी ऐसा प्लैनेट है जो कि सूर्य के एकदम बिल्कुल नज़दीक है और छोटा भी है, तो उसी प्रकार ये सब अब इसको पढ़ करके आप जानकारी कर सकते हैं। वेनस हुआ, अर्थ हुआ, मार्स हुआ। अर्थ हम लोग का तीसरा नंबर है जिसपे सारे जीव जंतु हम लोग भी रहते हैं, जीवन संभव है। द ओनली प्लैनेट विच हैज एयर वाटर एंड लाइफ। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे हवा है, पानी है और जीवन है, उसके बाद किसी प्लैनेट पर वैसा पॉसिबल नहीं है। और इसमें नेक्स्ट पेज नेक्स्ट डे होगा, तब तक के लिए थैंक यू।